उत्तराखंड में मॉनसून की बारिश कहर बरपा रही है तो वहां पहाड़ों पर भूस्खलन के चलते नेशनल हाईवे समेत 83 मार्ग बंद पड़े हैं। इससे स्थानीय लोगों के साथ यात्रियों को भी खास दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन और पुलिस की टीमें राहत कार्यों में जुटी हुई हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को आकाशीय बिजली गिरने से चांगसील इलाके में 35 से ज़्यादा भेड़ बकरियों के मरने की सूचना है, तो वहीं खराब मौसम के कारण जंगली जानवरों की भी मौत होना भी बताया गया है। हालांकि वन विभाग और प्रशासन की टीम लगातार इलाकों में निगरानी कर रही है, तो वहीं मौसम विभाग ने पूर्व में ही चेतावनी दी थी कि 28 जून से उत्तराखंड में मॉनसून की बारिश शुरू हो जाएगी। पूर्वानुमान के मुताबिक 28 जून की सुबह से ही राज्य में कई इलाकों में भारी बारिश की शुरुआत हो गई। लगातार हो रही बारिश से अब तक राज्य के कई जिलों में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, तो वहीं केदारनाथ और बद्रीनाथ के रास्तों पर भूस्खलन हो रहा है। प्रशासन के मुताबिक राज्य में 83 प्रमुख मार्गों को बंद करना पड़ा है। इन रास्तों पर लैंडस्लाइडिंग ज़्यादातर होती रहती है, तो यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस को तैनात किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।